हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइस, बढ़िया हैं आप लोग? मस्ती होएंगे, ठीक है। चलिए, एनी हाउ, डेट है आज की 24 अगस्त 2023 और शुरू करने जा रहे हैं आज के हम करंट अफेयर्स। तो देखें सबसे पहला न्यूज़ क्या है हमारे पास। सबसे पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कंट्री का, मतलब पूरे इंडिया का सबसे बड़ा आईटी हब किस शहर के अंदर लगाया है, ठीक है। मतलब पूरे इंडिया का सबसे बड़ा आईटी हब बनाया है, ठीक है। आईटी हब का मतलब समझते हो, जहाँ पे बहुत सारी आईटी कंपनीज होती हैं, आईटी पार्क होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो सारा आईटी हब होता है। तो ऐसा इन्होंने कहाँ पर लगाया है? ये लगाया है बेटा लखनऊ के अंदर। चेंज द कलर। हाँ, तो ये इन्होंने कहाँ पर लगाया है? लखनऊ में लगाया है। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास? डी ऑप्शन, लखनऊ, ठीक है जी। अभी थोड़ी सी जानकारी हासिल कर ले, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि आईटी क्या होता है, आईटी हब क्या होता है, जहाँ पे आईटी पार्क होगा, बिजनेस पार्क होंगे और इंटरनेशनल इनक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर्स होंगे, ठीक है। मतलब इंटरनेट से रिलेटेड और आईटी से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे काम होने वाले हैं। तो देखो, कंट्री का सबसे बड़ा आईटी हब हमने बनाया है। वैसे तो आईटी हब के आपने बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी किए होंगे पास्ट में, जैसे कि आप लोगों ने सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, बेंगलुरु, वो भी एक आईटी हब है। पंजाब में मोहाली अपने आप में एक आईटी हब है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन ये सबसे बड़ा है ना, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ी सी जानकारी और हासिल कर लेते हैं हम लोग इसके बारे में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, ठीक है। सो ये वाले छोटे से हमारे पास जो फैक्ट्स हैं वो याद रखने हैं। इसी के साथ देखो, हमने उत्तर प्रदेश के थोड़े से और फैक्ट याद करें, जैसे कि उत्तर प्रदेश कब बना था? 1 अप्रैल 1937 को यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा और औध ब्रिटिश समाज के अंदर, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर, जब हम लोग ब्रिटिश इंडिया में रह रहे थे, तो उस समय औध और आगरा को मिला के यूनाइटेड प्रोविंसेस बनाया जाता था, ठीक है, जिसको हम लोगों ने बाद में इसका नाम चेंज करके उत्तर प्रदेश रखा। तो ये बनी कब थी? ये बनी थी 1 अप्रैल 1937 को, लेकिन हमने इसका नाम कब बदला? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, मतलब पहले से ही बनी पड़ी थी। नेक्स्ट पॉइंट, नवंबर 2000 के अंदर इस उत्तर प्रदेश में से एक नई स्टेट निकाल दी, जिसका नाम हमने रखा उत्तराखंड, ठीक है। कुल मिला के उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि सबसे लार्जेस्ट नंबर है हमारे किसी भी स्टेट में अब तक का, ठीक है। स्टेट बॉर्डर्स की बात करें तो देखो, आप यहाँ पे मैप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर्स में उत्तराखंड है, हरियाणा है, हिमाचल है, यहाँ से मध्य प्रदेश है, इधर से राजस्थान है, बिहार है, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो यही सारे पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है जी। इंटरनेशनल बॉर्डर अगर किसी के साथ लगता है तो बिल्कुल बेटा नेपाल के साथ लगता है, इधर नेपाल है, तो नेपाल के साथ जो है इसका इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, ठीक है जी। तो ये थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमने उत्तर प्रदेश के लिए याद रखने हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पार्टीशन हॉरर्स। पार्टीशन मतलब तो समझते हो ना हम लोग, जब विभाजन हुआ था, पाकिस्तान अलग बना था, हिंदुस्तान अलग रह गया था, है ना। तो हॉरर्स का मतलब क्या होता है? डर, कि पाकिस्तान की वजह से जो, मतलब डिवाइड होने की वजह से जो तकलीफ़ें लोगों ने महसूस की हैं, बहुत सारे दंगे फसाद हुए, देखो बहुत सारी जाने गई, लाइफ, प्रॉपर्टी, हर चीज़ का लॉस हुआ है ना। तो वो ना आज भी कहीं ना कहीं हमारे दिल में ना, आज़ादी हम लोग मनाते तो हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट तो करते हैं, लेकिन एक पार्टीशन का जो दुख है ना, वो भी हमारे दिल में हमेशा रहेगा, ठीक है। तो उस पार्टीशन हॉरर्स का भी हम एक दिन अपने दुनिया में ऑब्जर्व करते हैं, इसको मनाना नहीं कहेंगे, इसको ऑब्जर्व करना कहेंगे। तो वो दिन हम लोग कब मनाते हैं? वो हम लोग 14 अगस्त के दिन मनाते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, 2021 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पार्टीशन की वजह से लोगों के दिलों में कई जो हैं तकलीफ़ें हैं, बहुत लोगों की जाने गई थी, तो उन लोगों की जो शहीदी है ना, उनको भी याद रखना है अपन ने। तो इसलिए ऐसा दिन हम सेलिब्रेट करें जो कि पार्टीशन हॉरर्स के ऊपर हो, ठीक है जी। तो हम लोगों ने 14 अगस्त को मनाना शुरू किया 2021 से, ठीक है। और लिखा ही हुआ है, उन लोगों को याद करना है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, ठीक है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स, 1947 के अंदर लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, उन्होंने पार्टीशन प्लान या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट दिया था 1947 के अंदर, जिसने हमारे देश को ना ही सिर्फ आज़ादी दी, बल्कि हमारे देश को जो है पार्टीशन भी किया था, ठीक है। चलो, एक मजबूरी थी। हिस्ट्री की क्लासेस आप लोग लगाते हो बहुत अच्छे तरीके से, आप लोगों को पता है कि क्या क्या मजबूरियां थी हमारी, कि पार्टीशन प्लान जो है हमको एग्जीक्यूट करना पड़ा, ठीक है जी। लेकिन कहीं ना कहीं ये दिन हम लोग ज़रूर ऑब्जर्व करते हैं अपनी लाइफ में,
ठीक है जी, अब चलते हैं अपन लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे हम कब मनाते हैं? ठीक है, मतलब पूरे विश्व के अंदर ऑर्गन डोनेशन, देखो आपको पता है ना कि अगर किसी को आप रक्तदान करो, आप कहते होगे ना रक्तदान महादान, ठीक है, रक्तदान करना बहुत आसान काम है, लेकिन किसी को अपना ऑर्गन डोनेट करना बहुत डिफिकल्ट काम है। ठीक है जी, तो ऑर्गन डोनेशन हम लोग कब करते हैं? देखो हमारे जो सोसाइटी है उसमें कई सारे वहम है, अगर लोग अपने मरने के बाद ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं तो सोसाइटी कहती है कि नहीं, इसका तो दाह संस्कार कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि इसके तो ऑर्गन्स ही शरीर में नहीं है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मरने के बाद हमें हमारे ऑर्गन्स को डोनेट कर देना चाहिए क्योंकि हमारी ज़िंदगी किसी और के तो काम आए, है ना। तो ऐसे आइडियाज़ को दुनिया के सामने लाने के लिए हम लोग वर्ल्ड ऑर्गन डे सेलिब्रेट करते हैं। कब मनाते हैं हम ये दिन? 13 अगस्त को हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है जी, तो 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। इस साल की थीम क्या है? डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ्स, यानी कि ऑर्गन्स को डोनेट करो, लोगों की जिंदगियों को बचाओ, लाइफ को सेव करो। ठीक है, फर्स्ट एवर, पहली बार ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन 1954 में यूएस के अंदर हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और पहला डोनर जो था उसका नाम था रोनाल्ड ली हैरिक, जिसने अपनी किडनी अपने ही भाई को डोनेट की जिसका नाम था रिकर्ड ली हैरिक। ठीक है जी, सो उसकी किडनियाँ फेल हो गई थी बेचारे की, तो इसने अपनी एक किडनी जो है डोनेट की। इस सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट को करने वाले पहले डॉक्टर थे इस दुनिया के, जोसेफ मोरे, जिनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था 1990 के अंदर। ठीक है जी, तो 1954 के अंदर ये सब काम हुआ था, तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड से आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हमारे एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेटेड लिमिटेड का नैनो यूरिया प्लांट गांधीधाम कच्छ के अंदर। ठीक है जी, कच्छ का है, गुजरात में, हाल ही में रखा गया है। सवाल है कि किसने रखा है? ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है, अमित शाह। अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर के साथ साथ कॉरपोरेशन मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, इन्होंने हाल ही में इफ्को द्वारा नैनो यूरिया प्लांट को जो है अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? गांधीधाम कच्छ गुजरात के अंदर। ठीक है, और इसी के साथ एक छोटा सा पॉइंट, वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया जो है हम लोगों ने 2021 के अंदर बनाया था, जून के अंदर, मतलब दुनिया का पहला नैनो यूरिया जो है अपने देश ने बनाया है। ठीक है जी, सो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। नैनो यूरिया के देखो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करता है, फार्मर की इनकम को इंक्रीज़ करता है, इन्वायरमेंट को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। ठीक है, जो क्रॉप्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज़ करता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी अच्छा बनाता है, और सस्ता होता है जो भी यूरिया हमें मार्केट में मिल रहा है। तो नैनो यूरिया ना हमारी मिट्टी को ज़्यादा परेशान नहीं करता, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नाउ थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कॉरपोरेटेड लिमिटेड यानी के इफ्को के बारे में कुछ पॉइंट्स। इसके प्रेजेंटली सीईओ हैं उदय शंकर अवस्थी, 1993 के अंदर ये बना था, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली के अंदर, 93 से लेके जो है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट थोड़ा सा गलत आ गया है, फाउंडेशन इसका हुआ था 3 नवंबर 1967 को न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है जी, तो ये वाले पॉइंट्स आपको थोड़ा सा याद रखना है इफ्को के बारे में, अगर बाय चांस बैकग्राउंड से कोई सवाल आ जाए तो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले गुजरात के बारे में थोड़ा पता कर लें, क्योंकि गुजरात में ही तो ये नैनो यूरिया प्लांट आया ना, तो एक स्टेट आई है हमारे पास, तो स्टेट के बारे में बातें कर लें। स्टेट की जो कैपिटल है वो गांधीनगर है, चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र रजनीकांत पटेल हैं, और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो आचार्य देवव्रत हैं। ठीक है, कब बना था? 1 मई 1960 को बना था हमारा गुजरात। ठीक है, बॉम्बे में से इसको बाहर निकाला था, बॉम्बे अंग्रेजों ने बनाया था। ठीक है, सबसे बड़ी सिटी यहाँ की इलाहाबाद है, और स्टेट बाउंड्रीज़ अगर आप, चलो यहाँ पे आपको नहीं पता लगेगा, स्टेट बाउंड्रीज़ में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादर नगर हवेली, ये इसकी स्टेट के साथ आसे पासे बाउंड्रीज़ हैं। इंटरनेशनल बाउंड्रीज की पाकिस्तान के साथ लगती है, और समुद्रीय तट इसका जो है अरेबियन सागर सी के साथ लगता है, अरब सागर के साथ। रिवर्स इसके अंदर लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, बानस, सरस्वती और दमनगंगा है।
फेस्टिवल्स यहाँ पे कौन से मनाए जाते हैं? नवरात्रि, काइट फेस्टिवल, काइट फेस्टिवल इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है, याद रखना है। कच्छ उत्सव हो गया, मोधेरा डांस फेस्टिवल हो गया, तो ये वाले सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। नेशनल पार्क्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए गिर नेशनल पार्क है, वांसदा नेशनल पार्क है, ब्लैकबक नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क। बेटा नेशनल पार्क्स को याद करवाया गया है ट्रिक्स के साथ आपके करंट अपनी कपिल इंस्टीट्यूट की वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो कपिल इंस्टीट्यूट में जाइए और नेशनल पार्क की जितनी भी वीडियोस है वो देखिए, आपको सारे के सारे नेशनल पार्क याद कराए गए हैं जिनमें ये भी आते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व है रन ऑफ कच्छ, द ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं रानी की वाव पतन में, चंपानेर, पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क और द हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। यानी कि गुजरात अगर हमारे न्यूज़ में आया तो हमने गुजरात की सारी चिट्ठी बयान कर दी। इसी तरीके से धीरे धीरे एक एक दो दो करके ना अपन स्टेट सारी कवर कर लेंगे अपने करंट अफेयर के सेशंस में, ठीक है जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है, एक फैसिलिटी को लॉन्च किया है ताकि ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पासेस बना सकें। जो विजिटर्स आते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर एंटर करना है, वहाँ पे बैठना है, तो उनके लिए पासेस बनते हैं, तो वो पासेस इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बना सके ऐसा इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है। सवाल पूछा गया है कि उसका नाम क्या है, नाम क्या है उस पोर्टल का, तो हमारे पास आंसर है सुस्वागतम, ठीक है। सुस्वागतम का मतलब होता है कि आपका बहुत बहुत वेलकम हो, ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है। तो इसने क्या करना है, यूज़र्स जो हैं यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, ऑनलाइन रिक्वेस्ट करेंगे ई पासेस के लिए, और इस तरीके से जो लाइन में लग के पासेस लेते थे वो भीड़ थोड़ी सी कम हो जाएगी, अब सब कुछ ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये भी एक बढ़िया स्टेप है इनका, तो आंसर क्या बना इसका, सी ऑप्शन, सुस्वागतम, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने सिंह सूचना वेब, सिंह क्या होता है, सिंह होता है शेर, और सूचना क्या होती है उसकी इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। सिंह सूचना ऐप को लॉन्च किया है लाइन डे के ऊपर। देखो लाइन डे अपन लोगों ने सेलिब्रेट किया था 10 अगस्त को, अपन ने करंट अफेयर में भी डिस्कस किया था। तो इस दिन गुजरात के अंदर गुजरात के जो सीएम साहब हैं, सो आंसर तो बन गया बी ऑप्शन गुजरात, ठीक है। गुजरात के सीएम साहब ने सिंह सूचना वेब एप्लीकेशन को लॉन्च किया, इसी के साथ इन्होंने लायन एंथम को भी लॉन्च किया। प्रोजेक्ट लायन हमारे देश में क्या है, ये प्रोजेक्ट लायन क्या है बेटा, कि हमारे देश में जो शेर है ना, शेरों की तादाद जो है, जो बाघ होते हैं उनकी तादाद जो है उसको बढ़ाने के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, उनको ट्रीटमेंट देना है, आइसोलेशन सेंटर बनाना है उनके लिए और ब्रीडिंग सेंटर बनाना है। तो ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट लायन में आती हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट लाइन को याद रखना है, लाइन डे को याद रखना है, गुजरात ने सिंह सूचना वेब एप्लीकेशन लॉन्च की है इसको याद रखना है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना, गुजरात, और गुजरात की डिटेल्स हम कर ही चुके हैं। सो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, किस पेमेंट बैंक ने इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है कस्टमर्स के लिए सेविंग बैंक अकाउंट्स में। देखो पहली बात तो इको फ्रेंडली क्या है, ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करके अपने डेबिट कार्ड बनाना है जिससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो। देखो अगर आप प्लास्टिक का बनाओगे तो प्लास्टिक का देखो आज नहीं तो कल आपका डेबिट कार्ड इनवैलिडेट होगा, जब वो इनवैलिड होगा आप उसको फेंक दोगे तो उसको कोई जला देगा जिसकी वजह से पोल्यूशन फैलेगा, तो प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत फैलेगा। तो प्लास्टिक का बनाने की बजाय एक ऐसे मटीरियल का बनाए जो कि इको फ्रेंडली हो, जो हमारे नेचर को इन्वायरमेंट को अच्छा रखे, ठीक है। तो किसने किया है और किस चीज़ का बनाया वो देखें, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने इंडिया का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, तो आंसर आएगा ए ऑप्शन, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ठीक है। डेबिट कार्ड्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर किए गए हैं किस चीज़ से, RPVC यानी कि रिसाइकल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड मटेरियल के, जो कि इको फ्रेंडली माना जाता है, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, विच एडिशन ऑफ द फेमस नेहरू ट्रॉफी बोट रेस 2023 हुई है हमारे पुन्ना माडा लेक अलाफूजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। कई बार ना स्टैटिक से क्वेश्चन आ जाता है कि ये वाली लेक किधर है, ठीक है। अभी ये वाली लेक किधर है, तो भारत की सारी लेक्स तो देखो अपन लोग वैसे पढ़ते ही होते हैं, लेकिन कभी एक आधी रह जाए और वही एग्जामिनर पूछ ले तो एग्जामिनर क्यों पूछेगा भाई, क्योंकि न्यूज़ में आ गया इसीलिए तो पूछेगा, ठीक है। और देखो हर साल इतना बड़ा इवेंट होता है तो पूछेगा ही वो, ठीक है। तो एक लेक है पुन्ना माडा लेक अलाफूजा डिस्ट्रिक्ट केरल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे नेहरू ट्रॉफी बोट रेस 2023 इस बार हुई है, तो वो कौन सा एडिशन हुआ है ये पूछा है।
तो 69th एडिशन हुआ है बेटा, पहली दफ़ा ये 1952 में स्टार्ट हुई थी। और नेहरू बोट रेस ट्रॉफी का जो ऑनर है किसके लिए बनाई है, जवाहरलाल नेहरू के लिए। जब ये पहली बार केरल गए थे तो वहाँ के जो सीएम थे उन्होंने कहा कि यार इनके नाम पे एक बोट रेस ही बना देते हैं। ठीक है जी, फिलहाल हमारे जो इस ट्रॉफी के पिछले 3 साल से विनर होते आ रहे हैं वही इस बार भी विनर हैं, और वो हैं पालाथुरी बोट क्लब जो कि फर्स्ट आए हैं इस ट्रॉफी के अंदर। ठीक है, तो 69th एडिशन है, तो डी ऑप्शन अपना क्या बना, इसका आंसर बना। ठीक है जी, थोड़ा सा केरल के बारे में जानकारी हासिल कर लें। तो देखिए केरल का मैप है कितना अच्छा, थिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। ठीक है, ये बहुत सुंदर मैप है हमारे पास। अब आगे देखते हैं अपन लोग इसके बारे में, कैपिटल है थिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन और गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, केरला को गॉड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है, ये निकनेम है बेटा, निकनेम पेपर में आते हैं। ठीक है, केरला एक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है केरलम, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ केरा, यानी कि कोकोनट ट्री। केरा हम कोकोनट ट्री को कहते हैं, तो कोकोनट ट्री का जो है देश है उसको, जगह है उसको हम क्या कहते हैं, केरलम। ठीक है, कब बना था ये, 1 नवंबर 1956 को ये बना था। इसके आसपास के एरियाज तमिलनाडु, कर्नाटका, पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी में भी माहे वाला एरिया, राइट। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इसमें कितने हैं, 14 हैं। और नेशनल पार्क्स में इराविकुलम, साइलेंट वैली नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, और भी हैं लेकिन ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये पहली स्टेट बनी थी जिसको हम लोगों ने कंप्लीट डिजिटल स्टेट बनाया। याद रहे बेटा, ऐसे सवाल पेपर में आते जरूर हैं, तो कर लेना इसको अच्छे से। ठीक है, कोची जिसको पहले हम लोग कोचिन कहा करते थे, इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है और गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है जी, क्योंकि सबसे पहले वास्को डे गामा केरला में ही आया था ना, कैलीकट में, सो इसको गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं अपन लोग। ठीक है, हमारे इंडिया की सबसे पुरानी जो मार्शल आर्ट है जिसको हम कलारी पात्यू कहते हैं, कलारी पात्यू, ये यहीं से शुरू हुई है, केरल से शुरू हुई है, तो अगेन इंपॉर्टेंट है। कोची का एयरपोर्ट वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट है जो सोलर एनर्जी के ऊपर चलता है पूरी तरह से, तो अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है जी, सस्थम कोटा लेक यहाँ की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है और एक रामसर साइट भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है पहला बायोस्फीयर रिजर्व था हमारे इंडिया में, सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1986 में बना। कन्नूर जो है पहला जीरो लैंडलेस डिस्ट्रिक्ट बना हमारी कंट्री में, यानी कि यहाँ पे लैंडलेस लोग नहीं हैं, सभी के पास अपने अपने घर है, सबके पास अपनी अपनी जगह है, तो लैंडलेस कोई भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, मल्लापुरम पहला ई लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना कंट्री के अंदर। ई लिटरेट का मतलब समझते हो, इलेक्ट्रॉनिकली इनको हर चीज़ की नॉलेज है, डिजिटली बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। ठीक है जी, तो पूरी तरह से ई लिटरेट है। एलापूजा जिसको एलप्पी भी आप कहते हो, इसको विनीस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने केरल के बारे में स्टडी किए। ठीक है, सो आज की हमारी वीडियो यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कल मिलते हैं आप लोगों से सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।